नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर मीना सोलंकी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा फर्स्ट में पाठ 18, ठीक समय। तो आओ शुरू करें। सबसे पहले हम इन पंक्तियों को पढ़ेंगे, फिर इनका भावार्थ करेंगे। ठीक समय पर नित उठ जाओ, ठीक समय पर चलो नहाओ, ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ, ठीक समय पर मौज उड़ाओ, ठीक समय पर गाना गाओ, ठीक समय पर सब कर पाओ तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। तो बच्चों, अब हम करेंगे इसका भावार्थ। तो देखो, पहली पंक्ति क्या है? ठीक समय पर नित उठ जाओ। ठीक समय यानी हमें समय पर नित, नित मतलब रोज या प्रतिदिन, उठ जाओ मतलब यह हमें क्या कह रहा है कि ठीक समय पर नित उठ जाओ, मतलब हमें क्या करना चाहिए, सुबह सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। ठीक समय पर चलो नहाओ, ठीक समय यानी समय पर हमको क्या करना चाहिए, नहाना चाहिए। अगली पंक्तियां, ठीक समय पर खाना खाओ। तो बच्चों, हमें क्या करना चाहिए, समय पर खाना खाना चाहिए। ठीक समय पर पढ़ने जाओ। और बच्चों, हमको है जो समय पर पढ़ने जाना चाहिए। ठीक समय पर मौज उड़ाओ। तो बच्चों, ऐसे नहीं कि हम दिन भर खेलते रहें, जब समय हो खेलने का तभी हमको खेलना चाहिए। मौज मौज यानी आनंद, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे नहीं कि दिन भर हम ना खेल रहे हैं, मम्मी हमको चिल्ला रही है पढ़ लो बेटा पढ़ लो, और आप क्या कर रहे हो, जो कहना ही नहीं मान रहे हो। तो हमें जो हम जब हमारा खेलने का समय हो तभी हमको बच्चों खेलना चाहिए या मौज मस्ती करनी चाहिए। ठीक समय पर गाना गाओ। तो बच्चों, हमको समय पर ही गाना गाना चाहिए। ठीक समय पर सब कर पाओ तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। तो बच्चों, हम जब सब कार्य या सब काम समय पर करेंगे तो हम बड़े या महान कहलाएंगे। ऐसे नहीं कि हम किसी का कहना ही नहीं मान रहे और हम जो हमारा काम है वो समय पर नहीं करते हैं। अगर हम अपना कार्य समय पर नहीं करेंगे तो बच्चों हम पीछे रह जाएंगे, और समय किसी के लिए नहीं रुकता है। तो बच्चों, अगर आपको कुछ बनना है या कुछ बड़ा कहलाना है तो हमें समय के साथ चलना होगा। तो इस जो ये इस कविता से यह पंक्ति से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि बच्चों, हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। बच्चों, अब हम करते हैं इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे शब्दार्थ। तो देखो, पहला शब्द क्या है, नित। अब देखो, नित नित का अर्थ क्या होगा, नित का अर्थ होगा प्रतिदिन या रोज, या हम रोजाना भी कह सकते हैं। नित नित का अर्थ क्या होगा, प्रतिदिन या रोज। अगला शब्द है मौज। अब देखो, मौज का मतलब क्या होगा, मौज मौज का अर्थ होगा आनंद। अब बच्चों, अब हम करेंगे प्रश्न संख्या एक। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो इस प्रश्न में क्या करना बच्चों, जो हमारा जो सवाल है इसमें तीन विकल्प दे रखे हैं, जो उत्तर सही होगा उस पे हम सही का निशान लगाएंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न, क्या तुम प्रातःकाल जल्दी उठते हो? तो बच्चों, यहाँ पर प्रातःकाल, प्रातःकाल का मतलब क्या होगा, सुबह। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है कि क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो? तो बच्चों, जो अच्छे बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, वो समय के साथ चलेंगे और वो सुबह जल्दी उठेंगे। तो देखो, इसका उत्तर हम क्या देंगे, विकल्प नंबर अ, नहीं, विकल्प नंबर ब, कभी नहीं, और विकल्प नंबर स, हाँ। तो बच्चों, इसका उत्तर आप क्या दोगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप क्या सुबह जल्दी उठते हो, तो इसका उत्तर आप क्या दोगे, इसका उत्तर होगा हाँ। क्या होगा, विकल्प नंबर स, हाँ, कि हाँ हम सुबह जल्दी उठते हैं। अब देखते हैं दूसरा सवाल, क्या तुम सुबह दांत साफ करते हो? तो बच्चों बताओ, इसका उत्तर आप क्या दोगे, पहला है हाँ, दूसरा है नहीं, और तीसरा है कभी कभी। तो बच्चों, अगर आपसे मैं पूछूं कि आप क्या सुबह दांत साफ करते हो, तो इसका उत्तर आप क्या दोगे, इसका उत्तर दोगे हाँ, क्योंकि हम सुबह जल्दी उठते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, अपने दांत साफ करते हैं।
तो इसका उत्तर होगा हाँ, हम सुबेदांत साथ करते हैं। तीसरा सवाल है, क्या तुम रोजाना नहाते हो? इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? पहला है नहीं, क्या तुम रोजाना नहीं नहाते हो? दूसरा हाँ, हम रोजाना नहाते हैं। और तीसरा है दोनों, मतलब कभी नहाते और कभी नहीं नहाते। तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा हाँ, विकल्प नंबर ब, कि हाँ हम रोजाना नहाते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल, क्या तुम ठीक समय पर स्कूल जाते हो? तो बच्चों ये क्या पूछ रहा है कि क्या तुम ठीक समय पर स्कूल जाते हो? इसका उत्तर क्या दोगे? अ कभी कभी, ब कभी नहीं, और स हाँ। तो क्या आप ठीक समय पर स्कूल जाते हो? तो इसका उत्तर होगा हाँ, हम ठीक समय पर स्कूल जाते हैं। बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न संख्या दो, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। जो बच्चों ये क्या है, जो पंक्तियां है ये अधूरी है, हमको क्या करनी है? इन पंक्तियों को पूरा करना है। तो देखते हैं पहली पंक्ति क्या है, ठीक समय खाली जगह पढ़ने जाओ। अब देखो जो कविता में जो पंक्ति आई है इनमें हम क्या लिखेंगे, तो ठीक समय इधर हम लिखेंगे पर खाना खाओ, खाओ खाओ, इधर हम लिखेंगे ठीक समय पर पढ़ने जाओ। तो बच्चों देखो ये क्या बने पंक्तियां, ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ। अगली पंक्तियां, ठीक समय खाली जगह, खाली जगह गाना गाओ। अभी में हम क्या भरेंगे? तो बच्चों देखो ठीक समय इधर हम लिखेंगे पर मौज उड़ाओ, उड़ाओ उड़ाओ, ठीक समय पर गाना गाओ। तो हमारी ये पंक्तियां क्या बनी, ठीक समय पर मौज उड़ाओ, ठीक समय पर गाना गाओ। अगला सवाल है बच्चों प्रश्न संख्या तीन, सही मिलान कीजिए। तो इनमें देखो इधर भी एक साइड शब्द दे रखे और दूसरी साइड भी क्या है, शब्द दे रखे। हमको क्या करना, जो ये शब्द है इनको इन शब्दों से जो सही शब्द है उनसे मिलान करना है। तो बच्चों देखो पहला शब्द क्या है, खाना खाना। अब देखो इसमें क्या है सही जिससे हम इसको मिलान करेंगे, तो देखो पहला क्या है गाओ, अगला है कहलाओ, तीसरा है जाओ, और चौथा है खाओ। तो खाने को क्या करना है, जो खाना है उसको तो हम खाएंगे है ना, तो इसमें सही क्या होगा, खाना खाओ। तो विकल्प नंबर जो चौथा है वह सही है, इसको हम इससे मिलान करेंगे। दूसरा शब्द पढ़ने पढ़ने, अब देखो इसमें क्या सही आए होगा, पहला विकल्प है गाओ, दूसरा कहलाओ और जाओ, और यहाँ पर शब्द क्या है पढ़ने, तो पढ़ने क्या है, पढ़ने हमको तो जाना पड़ेगा, तो पढ़ने इधर आएगा जाओ। तो ये जाओ जो है तीसरा नंबर विकल्प ये सही है, तो इसको हम क्या करेंगे, तीसरे जो शब्द है उससे हम मिलान करेंगे। अगला शब्द है गाना, अब देखो पहला क्या है गाओ, तो गाना गाओ, क्यों गाने जो गाना है उसको तो गाया जाता है। तो बच्चों जो ये शब्द है गाना इससे हम मिलान करेंगे जो पहला वाला है गाओ इससे। अगला देखो अगला शब्द क्या है बड़े, अब देखो इसमें क्या बचा है, विकल्प नंबर दूसरा है कहलाओ, कहलाओ, इसको हम क्या करेंगे, जो बड़ा शब्द है इसको कहलाओ शब्द से मिलान करेंगे, तो ये क्या बना बड़े कहलाओ। बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न संख्या चार, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो पहला प्रश्न क्या है, हमें ठीक समय पर क्यों उठ जाना चाहिए। तो हमसे क्या पूछ रहा है,
कि हमें ठीक समय पर क्यों उठ जाना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? क्योंकि हम समय पर उठ जाए तो सब कार्य समय पर कर पाएंगे। तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा, ये पूछ के आराम से कि हमें समय पर क्यों उठ जाना चाहिए या ठीक समय पर क्यों उठ जाना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा कि अगर हम समय पर उठ जाएंगे तो हमारे जो सब कार्य है या सब काम है वो समय पर पूरे हम कर पाएंगे। अगला सवाल, ठीक समय पर कौन कौन से काम करने चाहिए। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, ठीक समय पर हमें रोजाना सुबह उठ जाना चाहिए और समय पर नहाना खाना और पढ़ना चाहिए। तो बच्चों हमें समय पर कौन कौन से कार्य करने चाहिए, तो देखो सबसे पहला है कि हमें सुबह रोजाना जो सुबह है समय पर उठना चाहिए, और उसके बाद में हमको क्या करना चाहिए, उसके बाद में हमको समय पर नहाना चाहिए, उसके बाद में हमको खाना खाना चाहिए, और उसके बाद में समय पर हमें पढ़ाई करनी चाहिए। अगला सवाल, हम बड़े कैसे कहला सकते हैं। तो बच्चों हम बड़े कैसे कहला सकते हैं, इसका उत्तर होगा, हम अगर समय पर सारे कार्य मतलब काम सारे कार्य करें तथा समय का उपयोग सही तरीके से करें तो हम बड़े कहला सकते हैं। तो बच्चों हम बड़े कैसे कहला सकते हैं, अगर हम समय पर अपने जो सारे काम करें तथा समय का अगर उपयोग हम सही तरीके से करें और समय के अनुसार चले तो बच्चों हम बड़े कहला सकते हैं। इसलिए हमें सदा जो समय के साथ चलना चाहिए। बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो जो बच्चों ये शब्द दे रखे हैं ये क्या है, अशुद्ध है या गलत है। हम क्या करेंगे, इन शब्दों को वापस सही करके लिखेंगे। तो बच्चों पहला शब्द क्या है, पढ़ना, पढ़ना, और सही शब्द क्या होगा, पढ़ना। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, प दीर्घ क्या है, ड, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ढ, ढ ना। तो सही शब्द क्या बना, पढ़ना। अगला शब्द है गना, गना, और सही शब्द क्या होगा बच्चों, गाना। देखो हम कैसे लिखेंगे, ग, और बच्चों ग के साथ में यहाँ पर क्या है, आंखी मात्रा लगी हुई नहीं है, हम क्या करेंगे इधर ग के साथ में आंखी मात्रा लगाएंगे, तो हमारा जो ये क्या बना, गा। अब हम लिखेंगे ना, ना, तो देखो सही शब्द क्या बना, गा ना, गाना, और इधर क्या है, ग के साथ में आंखी मात्रा लगी हुई नहीं है। अगला शब्द है ठीक, क्या है, ठीक। अब देखो इसको सही कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ठ, और बच्चों इधर ठ के साथ में किसकी मात्रा है, छोटी ई की, और हम ठ के साथ में किसकी मात्रा लगाएंगे, बड़ी ई की, तो क्या बना, ठी क, शब्द क्या बना, ठीक। अगला शब्द है मेज, मेज, तो ये शब्द क्या सही है, नहीं, मेज नहीं होता, क्या होगा, मोज। तो देखो हम लिखेंगे म, और म के साथ में लगाएंगे औ की मात्रा, और यहाँ पर किसकी मात्रा लगी हुई है, आई की मात्रा लगी हुई है, हमने किसकी लगाई, औ की। अब हम लिखेंगे ज, तो हमारा शब्द क्या बना, मौज। अगला शब्द क ह ल ओ, कहलाओ, और सही शब्द क्या होता है, कहलाओ। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे क, उसके बाद में हम लिखेंगे ह, अब ये क्या है, ल, ये लिखा हमने ल, और बच्चों ल के साथ में यहाँ पर क्या है, आ की मात्रा नहीं है, इधर हम लगाएंगे आ की मात्रा, और ये है ओ, इधर हमने लिखा ओ। तो बच्चों हमारा शब्द क्या बना, कह लाओ। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 6, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो इसमें जो ये शब्द दे रखे हैं इनका उल्टा शब्द हमको लिखना है। तो बच्चों पहला शब्द क्या है, बड़ा, क्या है, बड़ा। अब देखो बड़ा, बड़ा शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा, छोटा, तो इधर हम क्या लिखेंगे, छोटा, छोटा। अगला शब्द है नित, अब
बच्चों नित्य, नित्य का अर्थ क्या होगा? प्रतिदिन या रोजाना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कभी कभार। क्या हो जाएगा? कभी कभार, कभी कभार या कभी कभी। अगला शब्द है ठीक। क्या शब्द है? ठीक। अब ठीक का उल्टा क्या होगा? गलत। ग ल त। तो बच्चों ठीक, ठीक शब्द का उल्टा क्या होगा? गलत। अगला शब्द है, अगला शब्द है समय। तो समय, समय का उल्टा क्या हो जाएगा? असमय। अ स म य। तो बच्चों समय, समय का उल्टा क्या हो गया? असमय। अगला शब्द है मौज। क्या है? मौज, है ना। अब मौज, मौज का मतलब क्या होगा? आनंद। अब मौज का उल्टा क्या हो जाएगा? उदासी। क्या हो जाएगा? उदासी। उदासी, उदासी या खेद। अगला शब्द है गाना। अब बच्चों गाना, गाना शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा? बजाना। तो इधर लिखा हमने बजाना। तो बच्चों गाना, गाना शब्द का उल्टा क्या हो गया? बजाना। तो बच्चों आज हमने क्या पाठ पढ़ा? ठीक समय। तो बच्चों इसमें आपने क्या सीखा? कि हमें हमेशा जो समय है उसका सही उपयोग करना चाहिए। बच्चों समय किसी के लिए नहीं रुकता है, इसलिए हमेशा हमें समय का उपयोग करना चाहिए और समय के साथ चलना चाहिए। धन्यवाद।